साई की बात बच्चे, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं होती। तुम अगर कोशिश करते रहोगे ना तो तुम्हें जीत हासिल जरूर होगी मेरे बच्चे, जरूर होगी। क्यों चिंता करते हो तुम, तुम्हारा साई तुम्हारे साथ है ना मेरे बच्चे, तो किस बात की चिंता है तुम्हें, तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साई का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। और सुनो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो परेशान हो, आफत में हो या संकट में हो ना, तो उसकी मदद जरूर करना, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना मेरे बच्चे। असली भक्त तो वही होते हैं मेरे, वही निशानी है मेरे भक्तों की, कि जो बुरे समय में ना अपने दुश्मनों का भी साथ देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, उनकी मदद करते हैं। और मैं अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखता हूँ उन लोगों से भी और बुरी नजरों से भी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे जीवन में विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी ना, उन सब से मैं तुम्हें बहुत दूर कर दूंगा और वो सब हटा दूंगा तुम्हारे जीवन से मेरे बच्चे, हटा दूंगा। और सुनो, अभी कुछ ही समय पहले तुम्हारे जीवन में जो संकट आया है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हें मालूम पड़ा है, तो एक काम करो मेरे बच्चे, एक हफ्ता बिना रुके स्तवन मंजरी पढ़ो, रोज पढ़ो मेरे बच्चे, जो संकट है ना वो टल जाएगा मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम्हारे साई ने जो तुमने सफर तय किया है ना मेरे बच्चे, उस मुकाम तक जाने के लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया है मेरे बच्चे, सब इंतजाम कर दिया है, बस तुम्हें उस पर चलना है। तुम्हारा सफर बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसान मेरे बच्चे, बस तुम कम अंतराल में ही उसे पालोगे मेरे बच्चे, पालोगे। और तुम्हारे सफर में ना दुख तकलीफें बहुत कम आएंगी मेरे बच्चे, वो कांटे कम आएंगे और तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। और इस दौरान अगर कोई तुम्हारी निंदा करे या तुम पर कोई सवाल उठाए ना मेरे बच्चे, उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना, ये समय मेहनत करने का है मेरे बच्चे। नज़रअंदाज करो उन लोगों को मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपनी किस्मत पलटनी है, क्योंकि तुम्हारे साई ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चे। साई की निंदा भी हुई थी, तुम तो जानते हो ना मेरे बच्चे, साई के साथ भी बुरा हुआ था, साई के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था मेरे बच्चे, लेकिन मैंने हमेशा बदले में सबको प्यार दिया है। और तुम्हें भी मैं यही सिखाता हूँ कि बदले में सबको प्यार दो, तुम भी सब में प्यार बांटो मेरे बच्चे, तभी तो तुम भी मेरी पूजा करते हो ना, कि तुम्हारे साई ने सबके साथ अच्छा किया, सबका भला किया। और सबको नजरअंदाज करो मेरे बच्चे, आगे से आगे बढ़ते चलो। और सुनो मेरे बच्चे, रोज के काम को रोज कर लिया करो मेरे बच्चे, आगे मत टाला करो। जो भी काम तुम भूल जाते हो, कुछ मेरे बच्चों को आदत है भूलने की, तो मेरे बच्चे लिखने की आदत डालो और सोने से पहले उन चीजों को पढ़ लिया करो। और सुनो, जो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति है ना मेरे बच्चे, जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हो ना, तो बिना सोचे बिना किए ना अपने बिस्तर पर मत आया करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ पाना चाहते हो, आदरणीय बनना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत ना कर दो मेरे बच्चे। और हमेशा सकारात्मक रहो, खुश रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें आगे चल के बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त होंगी मेरे बच्चे। और तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी निंदा भी करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे तुम उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना, तुम्हें मजबूत बनना है अंदर से भी मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना। जितना तुम आगे बढ़ोगे, जितना तुम ऊंचाइयों पर बढ़ोगे ना, उतना तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत होगी मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में ऐसे जो तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें ऊपर उठना है मेरे बच्चे, अपने साई के भरोसे। मैं हूं ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, हमेशा हूं मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।